अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम मैट्रिक क्लास की मैथ्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है सेट्स एंड फंक्शन। तो सेट्स एंड फंक्शन में स्टार्टिंग में हम नंबर के बारे में स्टडी करते हैं और नंबर सेट क्या होता है, या फिर हम कहें ऑपरेशन ऑन द सेट। तो ऑपरेशन ऑन सेट से पहले हम जो है नंबर की हिस्ट्री पढ़ेंगे, मतलब नंबर कहाँ से आए, नंबर स्टार्ट कैसे हुए, क्योंकि अभी तो हम जो नंबर है बहुत सारी लैंग्वेजेस में हम बोल सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम जो है नंबर को याद करते हैं, नंबर बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें इसकी हिस्ट्री पे जाएं, तो इसकी हिस्ट्री जो है स्टार्ट होती है स्टोन एजेस से। तो स्टोन एजेस का मतलब है कि भाई जो पुराने लोग थे, पुराने ज़माने के लोग थे, उनको नंबर का पता नहीं होता था। तो वो किस तरीके से अपनी काउंटिंग करते थे, वो किस तरीके से जो है अपनी लेन देन करते थे, या फिर हम कहें कि उस टाइम पे जो अगर हम स्टोन एजेस की बात करें, पुराने ज़माने की बात करें, तो जो लोग हैं उनको ये नहीं था पता कि भाई आग कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, वो जानवरों से सीखते थे। तो जैसे जानवर करते थे वो भी इसी तरीके से बिहेव करते थे। तो स्टार्टिंग में उन्होंने जो है जानवर ही पालना स्टार्ट किया। तो फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे लोगों के पास अगर बकरियां होती थी, तो भी बकरियां अगर बाहर लेकर जाते थे चराने के लिए, तो उनके पास तो काउंटिंग का कोई सिस्टम ही नहीं था। तो फिर किस तरीके से उनको पता था कि भाई हमारे पास 10 हैं, 20 हैं या 50 बकरियां हैं। तो वो स्टार्टिंग उन्होंने काउंटिंग की थी, मतलब नंबर सिस्टम का जो बेस आया था वो हमारे पास तो उन स्टोन एजेस के जो लोग थे उन्होंने ही दिया था। तो वो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पास 5 बकरियां हैं, तो वो चराने के लिए बाहर लेकर जाते थे, तो क्या करते थे, स्टोन के थ्रू उनकी काउंटिंग करते थे। लेट सपोज हम क्या सपोज करते हैं कि एक बकरी बाहर गई, वो एक स्टोन कहीं से उठा के साइड में रखते थे, फिर दूसरी बकरी बाहर लेकर जाते थे तो दूसरा स्टोन साइड में रखते थे, फिर तीसरा स्टोन, फिर चौथा स्टोन, पांचवा स्टोन। अब ये जो है पांचवा, चौथा, तीसरा, ये तो जो है अभी हम बोल रहे हैं, लेकिन उस जमाने में लोगों को पता नहीं था कि भाई ये 1 2 3 4 5 क्या होता है। वो जस्ट क्या करते थे, स्टोन को कलेक्ट करते थे, वो साइड में रखते जाते थे। तो फिर शाम के टाइम में जैसे वो बकरियां वापस लेकर आते थे, तो फिर उनकी काउंटिंग इन्हीं स्टोन के थ्रू होती थी। फॉर एग्जाम्पल एक बकरी घर लेकर आए, तो एक स्टोन जो है यहाँ से साइड में रख देते थे, फिर दूसरी बकरी आई, दूसरा पत्थर गया, फिर तीसरी बकरी, तीसरा पत्थर गया, फिर चौथी बकरी, चौथा पत्थर गया, फिर पांचवी बकरी, पांचवा पत्थर फेंकते थे। तो इस तरीके से जो है बेस जो है पड़ा इसमें नंबर सिस्टम का। अब जब स्टोन काउंटिंग के बाद, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा बकरियां हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो अब इतने सारे तो हम स्टोन कलेक्ट नहीं कर सकते, इतने सारे स्टोन हम साइड में नहीं रख सकते। तो फिर स्टोन काउंटिंग के बाद जो सेकेंड कॉन्सेप्ट आया उसका नाम था टेली काउंटिंग। अब टेली काउंटिंग में क्या करते थे, वो जस्ट एक सिंबल, एक लाइन निकालते थे। अब फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ उन्होंने खरीद की या फिर वो लेकर गए, तो एक लाइन निकालेंगे, फिर दूसरी चीज़, फिर तीसरी चीज़, फिर पांचवी चीज़, इस तरीके से वो सिंगल लाइन निकालते थे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल वो रिटर्न का नहीं है, वापस का नहीं है, वापस लेकर आते हैं, तो फिर इस तरीके से इनको क्रॉस करते थे, जो आज हम टेली सिस्टम टेली काउंटिंग में करते हैं। तो ये बेस पड़ा काउंटिंग का, नंबर सिस्टम का। लेकिन जैसे दुनिया आगे बढ़ी, जैसे लोग डेवलप हुए, जैसे डेवलपमेंट आई, तो फिर हमें काउंटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई। तो स्टार्ट काउंटिंग कहाँ से हुई, तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट काउंटिंग सिस्टम आया था, फर्स्ट जो है हमारे पास नंबर आए थे, उसका नाम है सेट ऑफ इनिशियल नंबर। मतलब इनिशियली जो हमने नंबर्स डिस्कवर किए थे, उस नंबर का नाम रखा गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हम इसको नेचुरल नंबर का सेट कहते हैं। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट हुए 1 2 3 4 5 से लेकर, इनिशियली
नाइन नंबर तक हुए, फॉर एग्जाम्पल वन से लेकर हम कहाँ पे चले गए, नाइन तक नंबर डिस्कवर हो चुके थे। लेकिन उसके बाद फिर इशू हो गया, नाइन के बाद हम आगे क्या करें, नाइन के बाद कौन सी काउंटिंग करें। बहुत टाइम मतलब ऐसे समझे वर्ड रुक गए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नंबर डिस्कवर हो चुके थे। लेकिन उसके बाद जो नंबर आया वो जीरो इन्वेंट हुआ। तो जब जीरो डिस्कवर किया गया तो इनिशियली तो जीरो के ऊपर मतलब बहुत ज्यादा डिबेट हुई। किसी ने कहा कि भाई जीरो कुछ भी नहीं, किसी ने कहा कि भाई जीरो सब कुछ है। तो इन कुछ भी नहीं और सब कुछ, इन दोनों को ऐड करके हमने जीरो को डिस्कवर कर दिया। अब जब जीरो डिस्कवर हुआ तो फिर हमने एक और नंबर रख दिया, एक और नंबर सिस्टम रख दिया। अब उस नंबर सिस्टम का हम उस नंबर सिस्टम को हम कहते हैं होल नंबर्स। मतलब हमारे पास कुछ नंबर्स का सेट आ गया जो जीरो से स्टार्ट होने लगा। अब उसका नाम रखेंगे सेट ऑफ होल नंबर्स। अब सेट ऑफ होल नंबर्स और कुछ भी नहीं है, ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट हों उसको हम सेट ऑफ होल नंबर्स कहते हैं। तो अब जैसे मैंने पहले आपको बताया कि नाइन तक नंबर डिस्कवर हो चुके थे, जब उसके बाद जीरो डिस्कवर हुआ तो आगे हमारे पास नेचर नंबर्स भी बढ़ते गए। फॉर एग्जाम्पल 9 के बाद 10, 1 को 0 दें, फिर हम क्या करेंगे इसी तरीके से 00, फिर 000, इस तरीके से वैल्यूज जो है बढ़ती गई। और फिर हम 9 के बाद ये चलते जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर्स बन जाएंगे। तो सेकेंड जो नंबर आया, सेकेंड जो सेट बना उसका नाम है सेट ऑफ होल नंबर्स। अब सेट ऑफ होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे जो स्टार्ट होंगे जीरो से। ओके, लेकिन जब होल नंबर्स भी डिस्कवर हो गए, नेचुरल नंबर्स भी डिस्कवर हो गए, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे नंबर्स आए जिसके ऊपर फिर हमें कंफ्यूजन हुई। मतलब कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे खड़े हुए, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ 4 यूनिट ऊपर जा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 इस तरीके से काउंट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ से नीचे जाना है तो फिर हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 4 यूनिट में नीचे जा रहा हूँ तो क्या क्या करेंगे, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से अगर मुझे राइट साइड जाना है तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5। लेकिन अगर मुझे लेफ्ट साइड जाना है तो मैं क्या करूँगा। तो नंबर में इस सिस्टम को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी को पैसे दिए, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज आपने किसी को दिया, लेकिन अब ये नंबर्स फॉर एग्जाम्पल आप किसी से ले रहे हैं, जैसे उधार होता है, जैसे कर्ज होता है, तो अब दोनों फॉर्म में हम इस नंबर्स को 1000 के साथ लिखते हैं। लेकिन हमें ये 1000 नंबर्स ये नहीं बता रहा, ये क्लियर नहीं कर रहा भाई 1000 है क्या, आपको पैसे देने हैं या आपको लेने हैं। तो इस वजह से हमारा कुछ एक अलग से नंबर डिस्कवर हुए, कुछ अलग से नंबर्स को हमने देखा, उसका नाम हमने रखा सेट ऑफ इंटीजर्स। मतलब यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम अगर प्लस सिंबल दें, इसका मतलब यू हैव 1000 रुपीज, आपके पास 1000 रुपीज है। लेकिन अगर यहीं पर ही हम माइनस सिंबल ऐड कर दें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आगे माइनस, अब इसका मतलब क्या होगा, अब ये आपको देने हैं, माइनस मीन्स आपको देने हैं। तो प्लस का मतलब है कि भाई आपके पास है, आपको लेने हैं, जबकि माइनस का मतलब क्या हो, आपको देने। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से राइट साइड जाता हूँ तो हम क्या लिखेंगे, +1 +2 +3 +4। लेकिन अगर मुझे लेफ्ट साइड जाना है तो मैं क्या करूँगा, -1 -2 -3 -4। तो इसका मतलब हम जो प्लस और माइनस जो शो करते हैं, जो सिंबल देते हैं, इट शोज द डायरेक्शन। इसका काम क्या है, डायरेक्शन शो करना। तो इस तरीके से हमारे पास जो थर्ड सेट बना उसका नाम है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या है, ऐसे नंबर्स जो हम प्लस और माइनस में शो करें, +1 +-2 +-3 +- इस तरीके से आगे चलते जाएंगे। ओके, जब हम सेट ऑफ इंटीजर्स भी हमारे पास बन गए, अब इनको हम कुछ और नंबर्स और इवन नंबर्स में डिवाइड कर दिए। अब और नंबर्स और इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर्स किसको कहेंगे, जैसे 2 है, 4 है, 6 है,
एट है, उसके बाद टेन है, इस तरीके से चलते जाएंगे। ये हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स बनता जाएगा। और सेट ऑफ ऑड नंबर्स क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स है। ये कुछ और नहीं, यही हमारे पास इंटीजर्स हैं, उन्हीं से ही हमने इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को निकाल दिया। उसके बाद हमारे पास आ गए प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर हो। प्राइम नंबर्स क्या है, ऐसे नंबर जिसके टू फैक्टर्स हो, कौन से, वन एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर जिसके जिसको मतलब तकसीम करने के लिए हमें ओनली टू नंबर्स की जरूरत पड़े, उसको दो ही नंबर तकसीम कर पाए, तो ऐसे नंबर्स को हम जो है प्राइम नंबर्स कहते हैं। फॉर सपोज अगर मैं कहूं कि भाई 3, चले हम 2 से स्टार्ट करते हैं 2। अब इसके कौन से हैं, एक तो 1 इसको डिवाइड कर सकता है और दूसरा ये खुद अपने आप को डिवाइड कर सकता है। अगर 2 के कौन से फैक्टर बने, दो फैक्टर बन सकते हैं, कौन से, एक है 1 और दूसरा है हमारे पास 2। इसी तरीके से अगर मैं 3 लिखता हूं यहां पे, तो 3 का फैक्टर एक 1 है, तो दूसरा फैक्टर कौन सा हो सकता है, 3। इसी तरीके से अगर हम 5 की बात करें, अगेन 1 एंड 5। फिर हम 7 की बात करें, 1 एंड 7। तो इस तरीके से ये जो नंबर लिखे हमने, जैसे हमारे पास 2 बना, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, तो ये नंबर प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके फैक्टर्स ओनली 2 हैं, एक तो 1 होगा और दूसरा वो नंबर खुद अपने आप को डिवाइड कर सकता है। तो ऐसे नंबर्स को हम सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कहते हैं। लेकिन सेट ऑफ कंपोजिट नंबर भी हो सकता है। सेट ऑफ कंपोजिट नंबर मींस ऐसे नंबर्स जिसके जो डिवाइड करने वाले हों वो 2 से ज्यादा फैक्टर हों। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 कहूँ कि भाई 4 ऐसा डिजिट है, ऐसा नंबर है जिसके डिवाइडेंड जो है, फॉर एग्जाम्पल 1 भी इसको डिवाइड करता है, 2 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, तो इसके फैक्टर कितने बने, 3 बन गए, तो ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम 6 तो देखें, तो भाई 6 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी कर सकता है, 3 और उसके बाद 6 खुद भी अपने आप को डिवाइड कर सकता है। तो ये नंबर्स हमारे पास बन गए कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स और उसके बाद सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। अब उसके बाद फिर कुछ ऐसे नंबर हमें नजर आए, कुछ ऐसी वैल्यूज आ गई जो इन सब में से अलग थी, उन्होंने फिर हमें कंफ्यूज कर दिया। अब इनको क्या कहें, अब इनका क्या नाम रखें हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी चीज के पार्ट्स करें, हिस्से करें, तो अब पार्ट जो है वो यहाँ पे किसी भी नंबर में नहीं आ रहा। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई 2/3, या फिर हम कहें फॉर सपोज 1/4, इसका मतलब क्या है कि भाई हमारे पास कोई चीज है, अब हमने उसके कितने पार्ट कर दिए, 4 पार्ट किए, और इसमें से जो आपका हिस्सा है 1 है, तो हम इसको लिखेंगे 1/4। फॉर एग्जाम्पल आपके पास केक है, उसके 4 पार्ट किए, तो हम लिखेंगे 4/4। लेकिन आपके कितने पार्ट हैं, उसमें से आपके कितने हिस्से, 1 पार्ट इज योर, 1 पार्ट आपका, तो हम इसको लिखेंगे 1/4। तो अब ऐसे नंबर जो हैं वो आ गए हमारे सामने, फिर उसका नाम हमने अलग सा नाम रखा, उनको हमने जो उसका अलग सा सेट बनाया, उसका नाम होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब हम जानते हैं भाई रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाए, मतलब जो डिवाइड के फॉर्म में लिखे जाए, जो बटा की सूरत में लिखे जाए, तो हम उनको जो है रेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे हमने लिखा 1/4, इसी तरीके से अगर हम लिखें 2/3, 5/4, तो ये सारे अपान के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इस वजह से हम इनको क्या कहेंगे, दीज आर दी रेशनल नंबर्स। तो भाई हम इसको पढ़ेंगे कैसे, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को डिनोट क्यू के साथ करते हैं, इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स, एक्स इज इक्वल टू P/Q, ऊपर जो है न्यूमरेटर होगा, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर होगा, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू, हमारे पास जो है इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, और
Q is not equal to 0, ये बात याद रखनी है, क्योंकि अगर अपान में 0 आ गया तो इसका मतलब है कि भाई ये इनफाइनाइट बन जाएगा, तो अपान में 0 नहीं आना चाहिए, इस वजह से हमने यहां पे लिखा कि भाई Q is not equal to 0, ओके। लेकिन उसके बाद जैसे इंटीजर्स जो है रेशनल नंबर्स भी बन गए, अब रेशनल नंबर्स के बाद फिर हमारे पास कुछ ऐसे नंबर आ गए जो रेशनल नंबर भी नहीं थे, मतलब जिससे जिसको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब उन नंबर्स का एक अलग सा सेट बनाया गया, उसको हम कहते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। जैसे सेट ऑफ रेशनल नंबर्स क्या है भाई, ऐसे नंबर जिसको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में डिनोट न कर पाए, उसको रिप्रेजेंट जो है पी अपान क्यू के फॉर्म में न कर सके, उनको हम सेट ऑफ रेशनल नंबर्स कहते हैं। सो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू पी अपान क्यू, ओके। अब सपोज करें हमारे पास वैल्यू होती है पाई, अब पाई है सपोज करें 22/7, अब हम इसको 22/7 राउंड अबाउट लिखते हैं, जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे ना ही ये टर्मिनेटिंग होगा ना ही रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो 22/7 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये रिपीटिंग बनेगा, लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है, पाई इज इरेशनल नंबर, याद रखें। इसी तरीके से अंडर रूट, रूट की जो वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल अंडर 2, अंडर 3, अंडर 4, सॉरी अंडर 5, तो ये सारी वैल्यूज जो हैं ये इरेशनल नंबर हैं, हम इनको जो है बटा की सूरत में नहीं लिख सकते, अपान के फॉर्म में पी अपान क्यू के फॉर्म में हम इनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब इसके एक एग्जांपल है, अगर मैं कहूं कि 5, भाई 5 क्या है, ये हमारे पास नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी है, लेकिन ये हमारे पास रेशनल नंबर भी है, क्योंकि कोई भी नंबर है उसके नीचे अपान 1 जरूरी होता है, ये मस्ट है। तो 5 ओनली लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, तो ये सारे हमारे पास नंबर जो हैं ये रेशनल नंबर में आते हैं। अब जैसे रेशनल नंबर भी हमारे पास आ गया, इरेशनल नंबर भी डिस्कवर हो गए, उसके बाद हमने एक सेट बनाया, ऐसा सेट जो इन सब को रिप्रेजेंट करे, मीन सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, मतलब इसमें हमारे पास जो है q भी आएगा और प्लस q डैश भी होगा, तो हम इनको सेट ऑफ रियल नंबर्स कहते हैं, ओके। तो ये इसको हम कहते हैं कि भाई जो नंबर सिस्टम क्या है, कहां से आए, और उसका जो टॉपिक था हमारा उसका नाम था ऑपरेशन ऑन सेट, तो हमने इसको डिटेल में स्टडी की भाई कि भाई नंबर्स कहां से आए, नंबर सिस्टम क्या होते हैं, और उसके कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं, और उसकी जो है सिंबल्स क्या हो सकती हैं।